Now here we are going to start question answers of first chapter Pakistan Zindabad. Question number one: Who was the first Governor General of Pakistan? Pakistan ke pehle Governor General kaun the? So answer: Muhammad Ali Jinnah was the first Governor General of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah. जे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के ही वॉज नॉट ओनली अ अरिनोन लॉयर बट ऑल्सो अ ग्रेट लीडर वो एक लॉयर नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा अजीम लीडर भी थे बज लीडरशिप एंड डिटर्मिनेशन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गॉड देयर आइडेंटिटी इनकी जदोजहद से और इनकी लीडर में जो मुसलमान थे इंडिया में उन्होंने अपनी पहचान हासिल की ही सर्वड एज अडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ्राम नाइनटीन थर्टी अंटल पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एंड फॉर हज एपिकर्विसज़ ही इज़ पॉपुलरली एंड ऑफिशली नॉन एज कायद अजम एंड बाबा कॉम वो जो पार्टी थी मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा अपने काम सर अंजाम दिए थे 1913 से वहाँ पर वो एज़ ए लीडर वर्क कर रहे थे और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस तक वो उस पार्टी के लीडर थे और अपनी इन सर्विसेज की वजह से अपनी इस मेहनत की वजह से और स्ट्रगल की वजह से उन्हें नाम दिया गया कायद का लकब दिया गया कायद का उन्हें ऑफिशियली अब कहा जाता है कायद आज़म और बा कौम नाउ क्वेश्चन नंबर टू हु वॉज़ द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया इंडिया का आखिरी वाइस रॉय कौन था वाइस रॉय उसे कहते हैं जिसे सारे सारी पावर हैंड ओवर कर दी जाती है तो इंडिया का जो लास्ट वाइस रॉय था वो कौन था आंसर लॉर्ड माउंट बेटन वॉज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंट बैटन नाम था उनका जो कि लास्ट वाइस रॉय थे इंडिया के माउंट बैटन वॉज अपॉइंटेड वाइस रॉय ऑफ इंडिया इन 1947 एंड ही ओवरसॉ सो क्रिएशन ऑफ़ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान माउंट बैटन अपॉइंट हुए थे वाइस रॉय इंडिया के 1947 में और उन्हीं की जेर निगरानी जो इंडिया है वो दो स्टेट्स में इंडिपेंडेंट फॉर्म में क्रिएट हो गया था इंडिया और पाकिस्तान ही वो सेंड टू इंडिया विद ऑर्डर्स टू हैंड ओवर द गवर्नमेंट इन अ प्लीजेंट पे उन्हें वाइस रॉय बनाकर इंडिया इसलिए भेजा गया था इन ऑर्डर्स के साथ कि वो गवर्नमेंट एक पुरान तरीके से दोनों स्टेट्स में डिवाइड कर दें बट एट दैट साउथ एशिया वॉज ऑन द थ्री ऑफ द सिविल वॉर एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे दियर एनी मोर लेकिन साउथ एशिया वाला साइड जो था वो एक बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था क्योंकि वो सिविल वॉर की कंडीशन में था और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिया में वो इंडिया में मज़ीद रुकना नहीं चाहते थे वहाँ के हालात की वजह से क्वेश्चन नंबर थ्री वैन एंड वेयर वॉज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ट कब और कहाँ पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई द लाहौर रेजोल्यूशन इज़ कॉमनली नो पाकिस्तान रेजोल्यूशन सबसे पहली बात तो ये कि लाहौर रेजोल्यूशन जो है उसे हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं इट वॉज़ पासड ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन फोटी एट लाहौर एट मिंटो पार्क विच इज़ नाउ इकबाल पार्क ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हुई ट्वेंटी थर्ड मार्च को नाइनटीन फोटी में लाहौर में लाहौर की एक जगह है मिंटो पार्क वहाँ पर जो कि अब मिंटो पार्क नहीं बल्कि इकबाल पार्क के नाम से फेमस है द रेजोल्यूशन वॉज प्रजेंटड बाई ए के फजल एंड मोहम्मद जफरुल्ला खान रेजोल्यूशन वो दो लोगों की क़्यादत में हुई थी एक ए के फजल हक

एक्सेप्ट करना किसी भी ऐसे प्लान को जिससे उन्हें एक स्टेट मिलने से कोई रोक सके स्पेशली इंडियंस या हिंदूज उन्हें रोक सकें कोई ऐसा प्लान बना के तो इन सब चीज़ों को मुसल मुसलमानों ने डिनई कर दिया था और एक और चीज़ को यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया था कि इंडिया के वो पार्ट्स जहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदू से ज़्यादा हैं तादाद में जैसे कि ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट ये पार्ट्स इनके अंडर में रहेंगे और इन सब पार्ट्स को मिलाकर ये एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फोर स्टेट ब्रीफली वाट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन डिसाइडेड ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह ही है यहाँ पर आपको कंप्लीट एक आइडिया और एक बात को प्रेजेंट करना है जिसमें आप ये बता सकें कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन में बेसिकली डिसाइड क्या हुआ था द मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी हेल्ड अ सेशन बिटवीन मार्च ट्वेंटी टू एंड मार्च ट्वेंटी फोर एट नाइनटीन फोर्टी एट मिंटो पार्क विच इज़ नाउ कॉल्ड इकबाल पार्क एंड पास रेजोल्यूशन फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया ऑफ अ सेपरेट एंड फ्री स्टेट including all the areas where Muslims were in majorities, such as East Bengal and Northwest. They denied any such plan which might fail to give the separate state. Basically, जो पाकिस्तान resolution है उसमें इस बात को decide किया गया था कि और एक plan जो है वो passed हुआ था कि India और Muslims मतलब हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो हैं वो एक अलग अलग स्टेट्स हैं तो हम लोगों को भी हमारी एक अलग स्टेट चाहिए और हमारी स्टेट कुछ इस तरह हो कि वो प्रोविंस जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं जैसे कि ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट वो एरियाज हमारी स्टेट में आ जाएँ मुस्लिम स्टेट में आ जाएं और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि वो किसी भी ऐसी बात को किसी भी ऐसे प्लान को एग्री नहीं करेंगे जो उन्हें एक सेपरेट स्टेट देने से रोके ये सब चीज़ें पाकिस्तान रेजोल्यूशन में डिसाइड हुई थी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हाट वर द प्रोविंसेस दैट वोटेड टू जॉइन पाकिस्तान कौन कौन से ऐसे प्रोविंसेस थे कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जिन्होंने वोट किया था जॉइन करने के लिए पाकिस्तान को आंसर ऑल द प्रोवेंस वेयर मुस्लिम्स वर मोर देन हिंदूज़ वोटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान जितने भी वो प्रोवेंसेस जहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़ उन्होंने वोट किया था जॉइन करने के लिए पाकिस्तान को बट अनफॉर्चुनेटली ओनली सिंध बलूचिस्तान वेस्ट पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिलहट एंड ईस्ट बंगाल व इंक्लूडेड इन पाकिस्तान लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ सिंध बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ईस्ट बंगाल ये सब एरियाज इंक्लूड हुए पाकिस्तान के एरिया में दिस वॉज अ स्मॉलर स्टेट दैन द मुस्लिम लीग आस्क फॉर बट इन स्पाइट ऑफ दैट वॉज द ग्रेट विक्ट्री फॉर ऑल द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ये एक स्मॉल स्टेट बनी इस्मॉल एरिया बना मुस्लिम लीग ने जिसकी ख्वाहिश की थी वो एक बड़ी स्टेट की ख्वाहिश की थी क्योंकि उन्होंने सारे वो एरियाज अपने अंडर रखने का फ़ैसला किया था जहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरटी में बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका उन्हें एक छोटी स्टेट मिली इतनी बड़ी स्टेट नहीं मिली जैसा कि मुस्लिम लीग की ख्वाहिश थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जाकर बहुत सारी मेहनत के बाद कुर्बानियों के बाद जाकर उन्हें जब एक अलग स्टेट मिली तो चाहे वो छोटी थी लेकिन वो कामयाबी बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी थी नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई डिट कश्मीर नॉट नाटन पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान को जॉइन क्यों नहीं कर सका आंसर कश्मीर विच इज़ द स्टेट वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी एंड ऑलवेज वॉन्ट टू बिलोंग टू पाकिस्तान कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में थे और हमेशा वो चाहते थे कि उनकी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि वो पाकिस्तान की स्टेट से ही बिलोंग करें बट जो मेजर रीज़न था वो ये था कि वहाँ पर हिंदू महाराजा नीम्ड हरी सिंह वॉज इन पावर एंड थ्रू द टीचवी कश्मीर कुड नाट बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान यही रीज़न था कि वहाँ पर हिंदू महाराजा था जिसका नाम हरी सिंह था उसके पास बहुत सारी पावर्स थी और उसी की वजह से कश्मीर को हैंड ओवर नहीं किया गया पाकिस्तान की स्टेट में तो ये एक रीज़न था देर वॉज अ फेयरफुल ब्लो टू कायद अजम इन द लास्ट ईयर ऑफ हिस लाइफ बट एट दैट टाइम ही वॉज़ मच टायर्ड एंड हैड नाट पावर टू फाइट मोर कायद अजम अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में बहुत ज़्यादा परेशान थे कश्मीर के इशू को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे लेकिन अब इतनी स्ट्रगल के बाद उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो और लड़ सकें क्योंकि आज़ादी के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते थे और इतनी स्ट्रगल के बाद उनमें इस चीज़ की हिम्मत नहीं थी कि वो मज़ीद लड़ें और कश्मीर को हासिल करें now question number 7 how large was the population of pakistan when it became independent kitni Zada population thi pakistan ki jab pakistan azad hua answer at the time of independence the population of the islamic republic of pakistan was 70 million that was considered a small defeated group

The large enough population to make the biggest nation in the world, and that was the reason Pakistan was the fifth largest nation in the world, and the first largest nation in the world, and the first largest nation of Muslims throughout the world. Iskibawa ye population itni so biggest enough to thi ke ye. फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन बन सकी वर्ल्ड में और फर्स्ट लार्जेस्ट नेशन बन सकी मुस्लिम्स की पूरी दुनिया में क्वेश्चन नंबर एट हाउ डज़ पाकिस्तान कंपेयर इन साइज़ एंड पापूलेशन विद द अदर कंट्रीज़ किस तरीके से पाकिस्तान को कंपेयर किया जाता है साइज में और पॉपुलेशन में दूसरी कंट्रीज दूसरे ममालिक मुमाल, के साथ आंसर वैन पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स, इट वॉज द फिफ्थ लार्जस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट लार्जस्ट मुस्लिम नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन बट आफ्टर फ्यू इयर्स ड्यू टू समेटर्स ईस्ट बेंगाल हैड बीन सेज बीन डिस इन रैंकिंग

कुछ सालों बाद ईस्ट बंगाल जब सेपरेट हो गया पाकिस्तान से तो ये अपनी नंबर में अपने पॉपुलेशन के नंबर में रैंकिंग में नीचे आ गई ये नेशन नाउ पाकिस्तान इज लेड ऑन द सिक्स पोजिशन इन पॉपुलेशन और अब पाकिस्तान सिक्स नंबर पे आता है सिक्स पोजीशन पे आता है पॉपुलेशन के हिसाब से एट द थर्टी फोर्थ रैंक बाय एरिया इन द वर्ल्ड और थर्टी फोर्थ रैंक पे आता है एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो एंड एट सेकेंड पोजिशन इन द मुस्लिम कंट्रीज आफ्टर इंडोनेशिया और मुस्लिम कंट्रीज़ में सेकेंड नंबर पर आता है क्योंकि सबसे नंबर वन जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडोनेशिया है और सेकेंड पे हमारे पास हमारी स्टेट पाकिस्तान आती है क्वेश्चन नंबर नाइन वाई डज़ द राइटर अप्लाई द वर्ल्ड टेरिबल टू द फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट क्यों राइटर ने अप्लाई किया वर्ड टेरेबल का मतलब वर्ड अपसेट या ख़तरनाक पहला साल जो था पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अलग स्टेट होने के बाद जो पहला साल था उसे क्यों इतना टेरेबल का वर्ड दिया गया राइटर के थ्रू आंसर द रटर अप्लाईज़ वर्ड टेरेबल टू द फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजनस राइटर ने वर्ड टेरेबल पाकिस्तान के पहले साल को वर्ड टेरेबल वर्ड जो है वो टेरेबल इसलिए दिया उसके बहुत सारे रीज़न थे जिसमें से कुछ रीज़न्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन हैं सबसे पहला रीज़न पाकिस्तान गवर्नमेंट हैड द फर्स्ट टारगेट टू तो सेट अप अ न्यू स्टेट ऑफ सेवेंटी मिलियन पीपल इन द पीरियड ऑफ टू मंथ्स सबसे पहली चीज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया कि वो एक न्यू स्टेट बनाएंगे सेवेंटी मिलियन पीपल की और एक टाइम पीरियड है टू मंथ्स तो ये काफ़ी मुश्किल काम है कि दो महीने के अरसे में एक सेवेंटी मिलियन पीपल की स्टेट बनाना उसको असम्बल करना ये काफ़ी मुश्किल काम है और इसके लिए टाइम पीरियड बहुत कम था शी हैड नो इंडस्ट्री नो इंजीनियर्स एंड नो ट्रेडर्स और उस टाइम पाकिस्तान के पास कोई इंडस्ट्री नहीं कोई इंजीनियर्स नहीं कोई ट्रेडर्स नहीं कुछ भी नहीं था तो फाइनेंशली तौर पे तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे ऑल्सो हैड टू सेट अप सैन मिलियन रेफ्यज़ हु वर इन आउट ऑफ इंडिया और फिर उन लोगों को भी देखना जो कि निकाले गए थे इंडिया से जो कि बहुत ज़्यादा गरीब और फ़कीरी की हालत में थे एंड द कश्मीर डिस्प्यूट ऑल्सो अकर्ड इन द फर्स्ट ईयर और पहले ही साल में आज़ादी के बाद कश्मीर का इशू आ गया कि कश्मीर को हिंदू महाराजा ने पाकिस्तान के हैंड ओवर नहीं किया द ग्रेट लीडर ऑफ द मुस्लिम्स कायद अज़म मोहम्मद अली जना लेफ्ट हिज़ पीपल इन दस फर्स्ट ईयर और आज़ादी के बाद पहले ही साल में 1948 एट में कायद अज़म मोहम्मद अली जना इस दुनिया को छोड़कर चले गए मतलब कि इस नेशन को जब एक लीडर की ज़रूरत थी तोयद अजम की डेथ हो गई जिसके बाद काफ़ी मुश्किल हो गया था इसलिए जो पहला साल है उसमें पाकिस्तान को तो हासिल किया गया आज़ादी तो मिली लेकिन उसके बाद उस पहले साल में बहुत सारे बड़े नुकसान भी हुए नाउ हेयर कम टू द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन वेयर इज़ द टॉम ऑफ द कायद अजम कायद अजम का मज़ार किस जगह पर वाक़ है आंसर कायद अजम मोहम्मद अली जना स्टॉम इज़ इन कराची कायद अजम मोहम्मद अली जना का मज़ार कराची में है ही डाइड ऑन एलेवेंथ सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी एट कॉज ऑफ़ हिस ग्रोइंगल्स एंड वॉज बरीड इन कराची द हर्ट ऑफ पाकिस्तान विद हाई रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड इन द प्रजेंस ऑफ ऑल लीडर्स दैट वर् विद हम थ्रू आउट ऑफ हिस स्ट्रगल फॉर दिस न्यू होम पाकिस्तान ये इनका जो मज़ार है वो कराची में है इनकी डेथ हुई एलेवन सितंबर को 1948 में और इनकी जो डेथ का कॉज थी वो उनकी बीमारी थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहे थे उनकी सेहत ख़राब होती जा रही थी और बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट से उनकी तदफीन हुई बहुत सारे लीडर्स की प्रेजेंस में जो जो उनके साथ थे जद्दोजहद में पाकिस्तान की सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर पाकिस्तान जिंदाबाद ना हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर वन द आर्टिकल्स सप्लाई दियर नेसेसरी आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं एक होता है दा दूसरा है आ और थर्ड है एन दा जो है वो किसी भी चीज़ को स्पेसिफ़िक बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है आ जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ हो रहा होता है और एन जो है वो वॉवल्स के साथ यूज़ हो रहा होता है वॉवल्स से पहले ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स हैं उससे पहले जो है मतलब बाद में वॉवल्स वाला वर्ड कोई आ रहा हो उससे पहले एन लगता है तो ये तीन तरह के आर्टिकल्स हैं अब दा स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है तो क्वेश्चन है कि दा को हम वहाँ वहाँ सप्लाई करें जहाँ जहाँ पर उसकी नीड है तो नंबर वन फॉर मी ड हार्डेस्ट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर डैश ईजिएस्ट अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है तो हार्डेस्ट और ईजिएस्ट सब्जेक्ट की बात की जा रही है इट मीन्स के स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है तो दा यहाँ पर लगेगा नंबर सेकंड डू यू हैव डू यू नो डैश डॉक्टर स्मिथ नंबर डैश ओनली स्मिथ आई नो इज़ नॉट अ डॉक्टर फर्स्ट वाले में तो आपके पास नीड नहीं है आर्टिकल की लेकिन नो के बाद ओनली आ जाता है मतलब स्पेसिफिक चीज़ की बात हो बात हो रही है तो वहाँ पर आर्टिकल की नीड है तो वहाँ पर हमने दा लगा दिया नंबर थर्ड डैश सन मैं डाउन ब्लू हॉरिजोन अब सन तो आपके पास एक स्पेसिफिक चीज़ है तो यहाँ पर भी आर्टिकल लगेगा नंबर फोर डू देयर चिल्ड्रेन गो टू डैश स्कूल अगर एक पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है स्पेसिफिक स्कूल की तो यहाँ पर भी दा लगेगा डैश एल्डस्टस डैश अदर्स आर स्टिल टू यंग तो यहाँ पर आर्टिकल की नीड नहीं है पहली ब्लैंक में दूसरी में है टोटल तीन ब्लैंक्स हैं जिसमें से फर्स्ट जिस और लास्ट वाली में आर्टिकल की नीड थी नंबर फिफ्थ डैश स्कूल ही गोज़ टू हिज नियर डैश हॉस्पिटल यहाँ पर उस स्कूल की बात हो रही है जो हॉस्पिटल के करीब है हॉस्पिटल भी एक पर्टिकुलर है स्पेसिफ़िक है स्कूल भी स्पेसिफ़िक बता दिया गया है क्योंकि एड्रेस दे दिया गया है इट मींस यहाँ पर दोनों चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिक बताई जा रही हैं तो दा जो है वो दोनों ब्लैंक्स में आएगा नंबर सिक्स डॉक्टर हैज़ जस्ट टोल्ड मी आई थोट टू गो टू डैश हॉस्पिटल अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर डॉक्टर ने किसी एक स्पेसिफ़िक जगह का या हॉस्पिटल का नाम बता दिया वहाँ की एडवाइस दी तो यहाँ पर भी इस्पेसिफिक है तो यहाँ पर भी आपके पास दा का यूजेज होगा इंग्लिश आर नाट सपोज टू बी गुड एट डैश लैंग्वेज बट मिस स्पीक्स फ्रेंच एंड पॉर्चुगेज वेरी वेल यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज़ का जिक्र किया गया है मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज का कोई जिक्र नहीं है नंबर एट इंग्लैंड इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ डैश यूनाइट किंगडम यूनाइट किंगडम एक ही है तो दा का यहाँ पर यूज़ होगा अदर पार्ट्स आर इस्कॉटलैंड वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड यहाँ पर भी स्पेसिफ़िक चीज़ों की बात है तो यहाँ पर भी आपके पास दा का यूज़ होगा आर्टिकल यूज़ होगा मनाइन आई थिंक डैश मी इज़ द नाइसेस्ट मंथ इन डैश वेस्टर्न यूरोप अब मे से पहले दा नहीं लगेगा वो इसलिए क्योंकि कौन से मे की बात हो रही है क्योंकि हर साल ये मंथ आता है मे का तो और नाइसेस्ट की बात हो रही है तो इट मीनस कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है तो हम यहाँ पर दा का इस्तेमाल करेंगे वेस्टर्न यूरोप भी एक स्पेसिफिक जगह है तो इसलिए हमने यहाँ पर दा का यूज़ किया नंबर टेन टाइगर्स आर डैश मैन ईटिंग एनिमल्स यहाँ पर भी टाइगर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर भी दा का यूज नहीं होगा नंबर अलेवेन हॉर्स इज़ डैश मैन बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर भी नीड नहीं है यहाँ पर भी आपके पास यूज़ नहीं होगा नंबर ट्वेल्थ ऑल डैश बुक्स इन हिज लाइब्रेरी आर डैश नॉवेल्स अब बुक्स की बात की जा रही है तो नॉवेल्स की बात की जा रही है बुक्स में तो नॉवेल्स तो एक स्पेसिफिक चीज़ है ओवरऑल बात की जा रही होती है तो यहाँ पर नहीं लगता लेकिन यहाँ पर आपके पास यूज़ यूज़ हो रहा है आर्टिकल द